राम राम सबको, स्वागत है भाई फिर से नए वीडियो में। और आज थोड़ी थकान ठीक हुई है पैरों की, दो दिन से तो पूरे भड़क रहे थे। और आज चल पड़े गांव की तरफ, निक्की ऑफिस से ले जाते ही मूड बन गया, कंडे ले गाने का काम मत है। अरे पूड़ी की पूड़ी काट के गिर रखी है भाई, काफ़ी लंबे टाइम के बाद गांव में जा रहे हैं। और हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, सुबह से साथ ही थे वो, लेकिन कहीं गए हुए थे इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाए, तो वो कर रहे हैं अभी नमस्ते चौक पे वेट। चलते हैं भाई स्पेशल गेस्ट को लेने के लिए और वहाँ से निकलेंगे हमारे गांव की तरफ, गांव पुगथड़ा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत। चलते हैं भाई पुगथड़े और बर्फ लाते हैं गंडे गाड़ी में। ये चेहरे को तो जानते हो आप, यही है वो हमारे स्पेशल गेस्ट महानस्ती श्री श्री मिस्टर ध्रुव जी। साधुवाद जी, आज हम सुबह से इकट्ठे ही थे लेकिन किसी जरूरी काम में आज हम इतने व्यस्त थे कि हमें समय नहीं मिला कि वीडियो बना पाए। बाकी वो काम ऐसा था वहाँ बना सकते थे बट किसी कारणवश वहाँ बना नहीं पाए वीडियो भाई। तो ध्रुव जी को आज गांव से गंडे चुसा के लाओगे, और पाँच सात कूड़ी ध्रुव जी की भी दरवाई जाऊंगी। बाप भाई दया था अरे है इस तो जाड़ मजबूत हो जाड़ है ऐसा ही है। और की खासियत है आज हम उस पावन धरती बजा रहे हैं जहाँ पर हमारे श्री 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 1011 मलिक साहब का जन्म हुआ था। तो पहले मैं वहां जाके धरती को उतारूंगा, फिर उस मिट्टी का टिक्का जो है अपने जो है माथे पे लगाऊंगा। वाह जी वाह वाह वाह। अगर गंडे की खासियत तो बताइए ना इतना है वह जो स्पेशल तो, गंडे हैं जैसे गंडे जो है पुगथड़ा गांव में पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते उगते हैं, उस क्वालिटी का गन्ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। एक गंडे में इतना जूस लगड़ा है जितना की जो है अलग अलग जगह अन्य राज्यों में या अलग खेतों में या अलग गाँव में 10 गंडे मत लगड़े। वैसे एक खासियत और है, सारा माल हमारा विदेश में सप्लाई हो है। बिल्कुल गंडे का और चावल हो गए गेहूं हो गए लोकल आस पास में नहीं। साधारण मनुष्य अगर पुगथड़े का एक गंडा चूस ले तो उसका 10 तलाके में हरा हुआ ही नहीं, इतना पावरफुल गंडा है। गांव में पहुंचते ही मिल गया रोज, ये देखो और ये हमारा खूबसूरत गांव। पहले यहाँ बनी हुआ करती थी, अब यहाँ भाई गुस्से गुस्से हैं। ये भाई आधा रोज ही आ गए हैं एक छोलने, मैं सारे गंडे में ही छोल दूंगा। ग्राम पंचायत पुगथड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये भाई अपने खेत ट्रेली भर दी फुल, अरे अपनी एक पुली थी ये काट दी और दो पुली और काटन लग रहे हैं भाई। अरे ध्रुव जी का फोटो शूट करूंगा बढ़िया, फोटो खिंचवा लेते हैं ट्रैक्टर पे। ये भी इसके ऊपर रख दियो ये, या नीचा नीचा कर दिया कहीं भी डाल दो। गांव में सबसे मिलके भाई अभी पहुंचा हूँ घर पे, मजा आया दिल खुश हो गया सबसे मिलके। वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कई घरों में जाना था और फटाफट मिल के निकलना था, लेट हो जाते नहीं तो बहुत ज़्यादा। और अब करते हैं डिनर की तैयारी भाई, गुड्डू एंड फैमिली तो गए दिल्ली, उनको कुछ काम था वहाँ दिल्ली, इसलिए नाइट स्टे वहीं रहेगा उनका। हम ही घर पे, मैं दादी पापा और निक्की, देखते हैं डिनर में क्या बनाएगी मैडम जी। फोन पर लगी है दादी, अपना दूध में लगी पड़ी है।
का ही नंबर आ गया भाई लग रहा है, खिचड़ी बनाने का भी। मिर्च कटवा रहे यहाँ पे, एक साइड दूध गर्म कर रहा हूँ, सब काम मुझे ही करने थे शायद आने के बाद। काचे काट रहे थे ये लोग तो, बाकी धर्मपत्नी से फुल काम कर दिया, पूरा रूम है एकदम बुरे हालात थे, पूरा रूम सजा दिया है अच्छे से, सब सामान रख दिया है। ये ब्लैंकेट पे नया कवर चढ़ा दिया, सर्दी ज़्यादा हो रही है, गर्म चादर बिछा दी, सब फर्स्ट क्लास रिपोर्ट कर दी। ओके, पूरी मेहनत करी इसने भी, अब लग रही है बर्तन साफ करने, बहुत मेहनती लड़की है ये भाई, और चावल भी धो रही है, शाबाश। जिंदगी में आगे कुछ बनोगी तुम, लग रहा है जरूर कुछ बड़ा करोगी आगे। पत्नी जी भाई पूरी सेवा कर रही है आज, सिस्टम हैंग कर रही है, मैं खाऊंगी अपने हाथ आई खिचड़ी, लग रही है भाई खिचड़ी बनाने, शाबाश शाबाश। और मैं इनके लिए गन्ने लेके आया ना, आप करो ये मेहनत आज, मैं ज्यादा ड्राइव कर गया आज। देख माल यह है खिचड़ी देसी, और ऊपर तक गिर रखा है देसी घी, बाबा इधर तो सारी खा जाए दोनों जने, दादी तो बाजरे की रोटी खावे दूध के लिया, और दे पहलवाने या खाओगी भी या खिचड़ी, बाबा की दया दे, राहुल दांत लानिया की बेबे।